जिवें हुण गल करिए सिमरजीत सिंह मान की, तो और कहा जा रहा है कहिंदे वी उन्हां नूं ज़्यादा लीड नहीं मिल सकती, लेकिन वो जित प्राप्त कर गए हैं हुण सिमरजीत सिंह मान, तो उन्हें जित नूं लैके की कहना चाहते, बाकी जिहड़ी पार्टियां की कारगुजारी हुण तक रही है, तो बाकी जिहड़े पार्टियां के उम्मीदवार से उन्हां दी हार हुई है, जमानतां भी जब्त हुई ने। देखो जमानतां जब्त हो अकाली दल दी, लेकिन जिहड़ी सिमरजीत सिंह मान जी की गल है, वह 23 साल तो बाद जित प्राप्त की उन्होंने, जिहड़ा साडा आम आदमी पार्टी के नाल जिहड़ा असीं पिछले लोगों ने बड़े रूह के नाल उन्होंने वोटां पाईआं सीगीआं, बड़ी हिम्मत जोश के नाल उन्होंने साथ दिता सीगा, उन्होंने बड़े वादे किए सीगे, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। आपां बहुत बहुत वधाई दिंदे आ सिमरजीत सिंह मान जी नूं, जिहड़े कि बाय इलैक्शन संगरूर जीते ने एम पी। मान साहब कहिंदे सीगे कि मैनूं ना मेरी कौम ने जितांदी, चलो एक तां थब्बा लगा ही पिया सीगा कौम दे, अज उह वी हट गया। संगरूर जिमनी चोणों के सिमरजीत सिंह मान जिहड़े ने जित प्राप्त कर चुके हैं, तो जश्न मनाया जा रहा उन्होंने जिहड़े समर्थक ने उन्होंने वालों, तो जिहड़े आम जनता है आम लोग ने लुधियाणा वासी ने उन्हां दी जित नूं लै के जिहड़ा की कहना चाहते हैं, या फिर होर जिन्नियां पार्टी के जिहड़े उम्मीदवार सीगे जिन्हां दी हार हुई है तो जमानत भी जब्त हुई हैं, उस दे बारे असीं गल्लबात करांगे। साडे नाल जिहड़े दुकानदार मौजूद ने उन्हां दे नाल गल्लबात करदे हां। असीं सर जिवें हुण गल करिए सिमरजीत सिंह मान की, तो और कहा जा रहा है कहिंदे वी उन्हां नूं ज़्यादा लीड नहीं मिल सकती, लेकिन वो जित प्राप्त कर गए हैं हुण सिमरजीत सिंह मान, तो उन्हें जित नूं लैके की कहना चाहते, तो बाकी जिहड़ी पार्टियां की कारगुजारी हुण तक रही है, तो बाकी जिहड़े पार्टियां के उम्मीदवार से उन्हां दी हार हुई है, तो जमानतां भी जब्त हुई ने। देखो जमानत जब्त हो अकाली दल दी, लेकिन जिहड़ी सिमरजीत सिंह मान जी की गल है, वह 23 साल तो बाद जित प्राप्त की उन्होंने, उस दे अलावा जिहड़ा साडा आम आदमी पार्टी के नाल जिहड़ा असीं पिछले लोगों ने बड़े रूह के नाल उन्होंने वोटां पाईआं सीगीआं, बड़ी हिम्मत जोश के नाल उन्हां दा साथ दिता सीगा, उन्होंने बड़े वादे किए सीगे, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। वादा पूरा ना करना जनता दे विच बहुत वड्डा आक्रोश हुंदा। उन्होंने बिजली के बिलों नूं लै के कहा सी वी सारिआं नूं असीं बिजली के बिल माफ़ करांगे इन्ने यूनिट, लेकिन उन्होंने चंद लोगों नूं बिल वापस माफ़ किए, बाकी सब लोगों नूं छड्डदा। जनरल जिहड़ी मंडोकर आदमी उह तां वैसे ही पिस गिआ, ਮਨੋਕਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਮਾਨਤ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਜਾਏ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ CM ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਹਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 20-25-25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰਵਾਈ ਨੂੰ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 84 ਲੈ ਲਓ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨੌਰਥ ਏਰੀਆ, ਚੌਧਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, MLA ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਕਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਅ ਜੀ 3 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਵੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਸਟ ਨਰਸਰੀ 'ਚ, LKG UKG ਜਾਂਦਾ, ਫਸਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ MP। ਇੱਕ ਇਹ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਨਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਤਾਉਂਦੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੱਬਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੌਮ ਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਵੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ,
देखा जाए आम पार्टी हारी नहीं है जीती है। एक ना आपां पंजाबी आ जां तुसीं वी हो आपां ना दिल तो दिमाग तो घट दिल तो ज़्यादा सोचते हैं। एक तो साडा वीर पिछे हुण सिद्धू मूसेवाला गया एक तो उहदे करके सी तां एक पासे होए पए सीगे क्योंकि दो क दिन पहलां सिद्धू बाई ने मेरे खा गल कीती सी मान साहब नाल तुसीं देखे होणे वीडियो तो उस एक वो मिल गया बेनीफिट। दूजा नंबर पोलिंग भी नहीं हुई वोट पूरी हर बंदा पता ही सोचता यार डेढ़ साल का इलेक्शन है कितने 50-55% पोलिंग होती कितने 33-35% ही हुई मेरे ख्याल से इन्नी पोलिंग हुई है 46% वो वोट भी नहीं पूरी पोलिंग हुई। देखा जाए मार्जिन 4-5-6 हज़ार का चलो खुशी भी है कि चलो यार एक थब्बा लत गया कौम तो हर वारी कहते उन्होंने जित मिल गई। आप जे कही ना जिदा मेरे वीर वड्डे वीर ने रूबल ढल ने कहा हरेक चीज़ का ना वेट करना चाहता मान साहब ने हले 3 महीने हुए हैं मान साहब काम कर रहे हैं आप देखिए आप कही ना हूँ तेन जादू की छड़ी तो है नहीं गई हूँ हर दिन दसिया कि नॉर्थ बग्गा ही लगे ने इधर सेंट्रल हल्क साडे शोक प्रेशर पप्पी जी लगे ने अज मैं कहना 3 महीनों का भी आप रिजल्ट कर लेना तुम सेंट्रल हल्के चल जाओ कल्ले कल्ले घर च पुछ लो वो इको गल कह कि अज तक असं इदा का MLA नहीं देखा जिदा का शोक प्रेशर पप्पी जी आए हैं हर दूजे तीजे दिन सिविल विजिट करना हर महल्या च जाना लोगों का दुख सुख सुनना हम लोगों ने पिछलिया सरकार ने मावा के पुत्र नशे तो लाए थे पहली सरकार है पहला MLA शोक प्रेशर पप्पी जिहड़ा 1 रुपये तो लैके 1 लाख रुपये लगे अपने पैसे तो लोगों के बच्चे नशे छुड़ा रहे नाल उन्होंने वर्क दवा रहे काम दवा रहे हाले कि 2 मुंडे उन्होंने सही करके मेरे को भी भेजे बाजार च लगे ने अज मुंडे बिल्कुल सही हो गए हैं उन्होंने मैंने कहा तेरी जिम्मेवारी इन्होंने जॉब लवानी है अज एक मुंडा 15,000 रुपये तनखा लै रहा 1 13,700 रुपये लै रहा नशा छड़ गया अज मुंडा किन्ने है अज वो मामा खुश ने वो कहिंदे चलो खा कट लाँगे असी पैसे तो या डिवेलपमेंट में चटना वै इत्थे साडे को डिवेलपमेंट आप कह दिए यार ओवर हो गई है पर जे पिछे पोती ना रहन मामा दे अज मैं अपनी माँ का पुत हाँ कल नू मैं ही जे गलत पासे रह पा जावां तो मैं ना रहा मेरी माँ ने डिवेलपमेंट नू चटना फ्लाईओवरां नू चटना वै सड़कां नू चटना अगले कहिंदे डिवेलपमेंट घट हो जाए पर जिहड़ा नशे वाला कोड आ वह वड्डिया जा रहा भाजपा को लेकर की कहना चाहते हो कि भाजपा होगी या फिर आम आदमी पार्टी होगी इन्हों का बहुत ज़्यादा जोर देखने मिल रहा है भी आवाज़ बहुत आ रही थी इन्होंने उम्मीदवारों को लेकर भी देखो असं जो समझते सके कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान का एरिया सीट भगवंत मान जी की पक्की सीट सी लेकिन लोगों ने यह दिखाता बदलाव कि जो तुम काम नहीं करोगे असं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करा लेकिन इनका हम जो ठीक है ना वो झोने के उपर सुटिया जाऊगा बी झोना लाना चाहता कि झोना पहली तरीक तो बाद लगना झोना जरा पहली तरीक तो बाद लगना है ये झोने ठीक राणा सुटन ये अपनी हार मनन तो जड़िया इन्होंने वादे किए ने वादे पूरे करन। सो असी गलबात की है आम लोगों के नाल दुकानदारों के नाल जिन्हों का कहना है कि सिमरजीत सिंह मान की जित जरूर हुई है तो हूँ जोड़े संगरूर की जो जीवनी चोणा सियाँ इन्हें जो उम्मीदवार से कई उम्मीदवार की जमानत भी जब्त तो हुई ने तो हम देखना पाता है संगरूर जीवनी चोणों के सिमरजीत सिंह मान जितते हैं तो हूँ अगे की काम जोड़े है किए जाते हैं उन्होंने वालों। सो देरी अपडेट जुड़ रोल टाइम्स कैमरामैन दीपक खीवा के नाल गुरदीप सिंह मिल जाएगा।